कितने पास कितनी दूर, शराब की नदियां 72 हूर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। बहत्तर हूरों का इनाम एक सच्चे और अच्छे मोमिन के लिए जो अल्लाह को खुश रखेगा और जन्नत में जाएगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। बहत्तर हूरें, वो अप्सराएं जिसमें मुस्लिम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए बनाई हैं ताकि वो जन्नत में उनसे निकाह कर सकें। ये वो हूरें होंगी जिनका जिस्म जेलीफिश की तरह होगा, जिसके आर पार भी देखा जा सकेगा, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और वो हमेशा नीची निगाहें करी होंगी। दुनिया की बाकी तमाम औरतों के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत होंगी, जिनकी निगाहें हमसे शर्म से झुकी होंगी। ऐसी हूरें जन्नत में हर ईमान वाले को मिलेंगी। इसके साथ साथ अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में शराब की नदियां भी बनाई हैं। इसमें मुस्लिम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और वहां खूब अय्याशी भी करेंगे। जन्नत में उनकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, वो जो भी चाहेंगे। यहां हर तरह के फल होंगे जो दुनिया में इंसान ने देखे थे, लेकिन उससे बेहतर ही होंगे। यहां ना धूप की जलन होगी, ना ही भूख प्यास की तकलीफ होगी। ये वो मकाम होगा जहां जाकर इंसान को अनलिमिटेड मौज मस्ती मिलेगी और ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। दरअसल इस्लाम लोगों को दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं देता। ये लोगों के अंदर एक सोच पैदा करता है कि जहां वो रह रहे हैं वो एक उनकी आजमाइश के लिए बनाई गई जगह है, जो कि दुख और तकलीफों से भरी पड़ी है। ये खूबसूरत दुनिया जहां इंसान को किसी तरह जीने का एक मौका मिला है, उस मौके को इस्लाम बर्बाद कर देता है। इंसान दुख और तकलीफ झेलता है ताकि मरने के बाद उसे जन्नत मिल सके। इस्लाम इस जन्नत की अय्याशी के सुख को हासिल करने के लिए दो रास्ते देता है। पहला रास्ता जो आम मुसलमान इख्तियार करते हैं, इसके बदले इंसान से बेसर पैर के काम जैसे कि नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत और 1400 साल पहले आए एक झूठे नबी और उसके द्वारा गढ़े हुए करैक्टर अल्लाह की चापलूसी, जिसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जन्नत मिलेगी ही। ये तरीका आम पीसफुल मुसलमानों के लिए है। दूसरा रास्ता जिहादियों के लिए, यानी अल्लाह की राह में अपनी जान दो और सीधे बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत की अय्याशी पाओ। ये पीसफुल लोग और ये जिहादी लोग, ये दोनों ही इस्लाम की ताकत हैं, इसलिए दोनों को ही जन्नत का लालच और दोजक का डर दिया गया है। लेकिन यकीनन जिहादी इस्लाम के लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए इस जन्नत को पाना उसके लिए आसान है। ये वो लालच है जो आज से 1400 साल पहले अरब के एक शख्स ने लोगों को दिया था, ताकि वो उसे अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगम्बर मान लें और उसके लिए काफिरों से जिहाद करें। अगर जिहाद में शहादत मिलती तो तुरंत उसे जन्नत की बशारत दे दी जाती कि वो अब जन्नत में हूरों के मजे ले रहा है और जन्नत में शराब की नदियों में डुबकियां लगा रहा है। जो मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए उनके लिए यह हंसने वाली बात होती है, और ठीक ऐसे ही मुस्लिम घर में पैदा हुए लोग बाकी मजहबों की मान्यताओं पर हंसते हैं। एक एथीस्ट की नज़र ही होती है जो इस फर्क को महसूस करती है। खैर, इस्लाम केवल लालच ही नहीं बल्कि डर भी दिखाता है। एथीस्ट हो या कोई और नॉन मुस्लिम, जो भी इस्लाम के इस नौटंकी भरे खेल से वाकिफ हो जाता है और उसे झूठ बोलता है तो उसे बिना वजह जहन्नुम की धमकियां मिलती हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद अल्लाह ने ही उसे तौफीक नहीं दी कि वो इस्लाम को कबूल करता या समझ पाता। 72 हूर इतना बचकाना रिवॉर्ड है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इन मौलाना की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो, सुनो जरा उसका तज़किरा, तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई और तुम गलियों खुजड़ों खसड़ों तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से एराज करते हो, देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल ना लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो, उस जन्नत को हासिल करने।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और उनकी और उनके और हर बीवी जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70-70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 जोड़े कपड़े के। वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन, यकीनन वाकई सच है। उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा, 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हूरों को ना ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। जब इनसे कोई सवाल करे कि मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा, तो इनका जवाब ये होता है, तो भाई आपको भी कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्या मिलेगा ये मुझे। लेकिन जाहिर है जब मर्द को इतनी कोई नेमत मिल रही है तो औरत को भी कोई नेमत मिलेगी। ये लालच इस्लाम में आज ही इतना पॉपुलर नहीं है, बल्कि खुद मोहम्मद साहब के वक्त में भी ये बहुत पॉपुलर था। जन्नत की इन हूरों के बारे में ये सब सुन के बाकी सहाबियों का ईमान भी और पुख्ता हो जाता था, और वो भी इस लालच के चलते इतने अंधे हो जाते थे कि उनकी आंखों से इंसानियत मर जाती थी। उनके लिए तो बस इस दुनिया में जीने का एक ही मकसद होता था, और वो था अल्लाह को राजी करना, फिर चाहे उसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, जहन्नम के डर से और जन्नत के लालच में। सिवाय अपने नबी की बताई हुई बातों के, वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। अब देखते हैं हूरों के ताल्लुक से कुरान और हदीसों में क्या आया है। सबसे पहले कुरान से देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। 56:22, खूबसूरत आंखों वाली। 78:33, हम उम्र हूरें, मतलब सभी हूरें हम उम्र होंगी, मतलब सब बराबर उम्र की होंगी। 78:31, बिग ब्रेस्टेड, मतलब बड़े स्तनों वाली। जिसने हिंदी में ट्रांसलेट किया उसे भी शर्म आई, उसने ट्रांसलेट किया उठती हुई जवानियाँ। 55:74, जिन्हें किसी मर्द या जिन ने ना छुआ हो। 52:20, खूबसूरत आंखों वाली हूरें तकिए लगाए बैठी होंगी। 37:48, निगाहें बचाने वाली, खूबसूरत आंखों वाली। 55:56, शर्मीली अनटच्ड। 56:23, छिपा कर रखी हुई मोतियों की तरह। अब देखते हैं हदीसों में इनके बारे में क्या आया है। तिर्मिजी 1663, रसूल ने कहा, अल्लाह के नज़दीक शहीद की 6 नेमतें हैं, जिसमें से एक है जन्नत में इसकी शादी 72 हूरों से कराई जाएगी। तिर्मिजी 2536, रसूल ने कहा, जन्नत में तमाम मोमिनों की जमात को
सौ सौ आदमियों की ताकत दी जाएगी हम बिस्तरी करने के लिए, जो पीछे मौलाना साहब ने कहा था वही। इसके अलावा पिंडली से गूदा दिखाना भी मौलाना साहब का अपना दावा नहीं था, बल्कि ये भी मोहम्मद साहब का ही दावा था, जो कि इस हदीस से क्लियरली पता चलता है। इनके अलावा और भी कई हदीसें हैं जिनसे हमें जन्नत की इन अय्याशियों का पता चलता है। इन हदीसों से मोहम्मद साहब का माइंडसेट कैसा था इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए हमेशा सेक्स को लेकर ही चिंता रहती थी, इसीलिए दुनिया में भी एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने को कहा और दूसरों की औरतों को जिहाद के माध्यम से अटैक करके उन्हें गुलाम बनाने की और उनसे हम बिस्तर होने की इजाज़त दी। ये सब सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों को हमेशा दबा कर रखा गया और किसी भी हक से महरूम, चाहे वो गुलाम औरतें हों, बाकी औरतें हों या बीवी ही क्यों ना हो। औरत को इस्लाम में एक मज़े लेने की दुनियावी चीज़, जैसे शहद, खजूर और शराब की तरह एक मज़े लेने की चीज़ बनाकर रख दिया, जो जन्नत में बाकी चीज़ों के साथ मिलेगी। अल्लाह पूरी कायनात बनाने वाला, उसको सिर्फ ईमान वालों की जिनसी ख्वाहिशात की चिंता है, इसीलिए वो दुनिया में और मौत के बाद भी सिर्फ इसी ताल्लुक से बात कर रहा है। तो यही है सच्चाई काल्पनिक 72 हूरों की, जिनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस्लाम को अपनाने और फैलाने के लिए लालच देना है। सभी मजहबों को चलाने वालों का मकसद रहा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना, लेकिन इस्लाम में सबसे पहले मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा कबीले लूटना, फिर मकसद हो गया ज़्यादा से ज़्यादा देश जीतना, और आज मकसद है पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करके हुकूमत करना। तो सभी से गुजारिश है कि मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सच्चाई को जानकर इसे छोड़कर इंसानियत और साइंस के रास्ते पर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।